गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सब हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मुस्कान भाग एक के पाठ सात आई होली कविता पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता में होली के त्योहार पर होने वाली खुशी व उमंग का वर्णन किया गया है। बरस बरस पर आती होली भर देती खुशियों से झोली। प्रस्तुत कविता में कवि के द्वारा बताया गया है कि हर साल हर बरस होली का त्योहार हम सभी के मन व जीवन को खुशियों से भर देता है, अर्थात हम सभी के जीवन को रंगों की तरह प्रसन्नता प्रदान करता है। तो प्यारे बच्चों, क्या प्रदान करता है? प्रसन्नता। रंगों का त्योहार अनूठा, मान गया जो था कल रूठा। होली के त्योहार की विशेषता बताते हुए कहा जा रहा है कि होली का त्योहार बड़ा ही अनूठा यानी कि अनोखा है, क्योंकि होली के त्योहार पर तो जो हमसे रूठा हुआ है यानी नाराज है वह भी मान जाता है और प्रसन्नता से होली के त्योहार को मनाता है और सभी के रंग गुलाल लगाता है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी भी लगाते हैं रंग गुलाल? लाल लाल सब गोरे काले, समझ न आते देखे भाले। होली के त्योहार पर सभी, चाहे वो काला हो या गोरा, सभी एक दूसरे को खूब आपस में गुलाल व रंग लगाते हैं, जिससे उनके काले व गोरे चेहरे भी रंगों के कारण लाल हो गए और इस कारण से वे किसी के भी पहचान में नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार सभी बड़े आनंद से होली का त्योहार मना रहे हैं। अभी था सूखा, अभी है गीला, हरा हो गया जो था पीला। कुछ लोग होली के त्योहार पर यानी पानी में विभिन्न रंगों को मिलाकर एक दूसरे पर फेंकते हैं। इस कारण जो अभी सूखा था वो अब रंग के पानी के कारण क्या हो गया? गीला हो चुका है। जो हरे रंग में रंगा हुआ था वह कुछ देर बाद पीला हो जाता है, यानी कि सबके रंग कभी लाल, कभी हरे, कभी पीले हो रहे हैं और सभी आनंद से होली का त्योहार मना रहे हैं। नहीं कई रंगों की तंगी, लाल हो गया अब नारंगी। कहीं भी किसी के पास भी रंगों की कोई कमी नहीं है, सभी भरपूर रंगों के साथ होली खेल रहे हैं, मानो चारों ओर रंग ही रंग बिखर गए हैं। क्या बिखर गए हैं? रंग ही रंग। जो लाल रंग में था अब वो भी नारंगी हो गया, यानी उसका रंग बदल गया। प्यारे छात्रों, प्रस्तुत कविता में होली के त्योहार का बड़ा ही आकर्षक वर्णन किया गया है। यह बताने का प्रयास किया गया है कि होली प्रेम व भाईचारे का त्योहार है, जिसे सभी बड़े प्रेम व उल्लास से मिलकर मनाते हैं। सभी एक दूसरे पर अलग अलग रंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, अतः हमें भी इस त्योहार को प्रेम से मनाना चाहिए।